अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 25 है उसकी एक्सरसाइज करनी है। आज हम लोगों ने हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज में दी हुई है जी फिलिंग द ब्लैंक्स। सो द फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन अ स्पेस एंड टाइम इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। सेकेंड इज डैश ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। उनको हम क्या बोलते होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ओके, द थर्ड वन इज एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अपॉन ग्रीन प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड एज, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। ओके जी, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, ठीक है, उनको भी कर लेते हैं साथ ही। ट्रू फॉल्स में जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज एट डिफरेंट प्लेसेज इन एन एनवायरमेंट वेन यू स्टडी वन पॉपुलेशन इट विल बी सिंकोलॉजी, नो इट विल बी ऑटकोलॉजी, क्योंकि वन पॉपुलेशन की बात हो रहा है। तो फर्स्ट वन इज फॉल्स। सेकेंड इज ए बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल लिविंग कंपोनेंट, नो ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। द थर्ड वन इज प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन अ पॉन्ड इज कॉल्ड एज जीरोसियर, नो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोसियर, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। फोर, the animal that is caught and eaten is the predator, no that is predator, so 4-1 is also false. And last, endoparasites are the inside the body of the horse, so yes this is a true statement. Finally aapke paas ek true statement bhi aa gayi hai. Next ab dekh lete hain ji, mcqs book mein diye hue hain, un mcqs ko bhi hum saath hi discuss kar lete hain. So the first mcq is the study of relationship of an organism to environment is known as ecology. The correct answer is ecology, that is option B. Similar group of individuals who can interbreed and produce organism of their own kind are known as species. Unko hum kya bolte hain? So jo second wala MCQs hai uske hamara correct option kya hai, that is species, aur uska correct answer hai C. Third is when living and non-living components interact to produce a stable community in which exchange of material with flow of energy take place, it forms an ecosystem. To third ka answer hai B, ecosystem. Okay, four, the living organisms which can prepare their own food are producers. To 4-1 ka hai A. 5 की बात कर लेते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन कंट्रोल विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट ऑब्टेन रेडीमेड फूड, तो उनको हम क्या बोलते हैं जी, दे आर नोन एज कंज्यूमर्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट आपकी बुक में है शॉर्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायो जियो केमिकल साइकिल, तो ये हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होते हैं, वो साइकिल जिनमें न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम टू नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम मूव करते हैं। नेक्स्ट है थ्री, स्केच थ्री मेन स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल, तो तीन स्टेप कौन कौन से थे, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड देन एसिमिलेशन। डिफाइन ग्रेजिंग, ग्रेजिंग क्या होता है, घास को खाना, सो वो एनिमल जो कि ग्रासेस पर फीड करते हैं उस उनको हम ग्रेजर्स बोलते हैं, एंड इस मैकेनिज्म को हम ग्रेजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंटेज ऑफ सन एनर्जी रीचेस टू प्लांट, सो ओनली 1%। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑटिकोलॉजी, ऑटिकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ वन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। जब आप एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हो उसके एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो वो ऑटिकोलॉजी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंकोलॉजी, उसमें क्या है, जब आप कम्युनिटी की स्टडी करते हो, डिफरेंट पॉपुलेशन की स्टडी करो अगर एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो उसे हम बोलते हैं सिनेकोलॉजी। सो ऑब्सो स्टूडेंट, आप लोगों को क्लियर हो गई इसकी एक्सरसाइज भी, अगर चैप्टर में भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।